बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। माँ-बाप के साथ भलाई करो, अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना और इज्जो नियाज से उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, जैसा इन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है, तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा परवरदिगार उससे बखूबी वाकिफ है। अगर तुम नेक होगे तो वो रुजू लाने वालों को बख्श देने वाला है, और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो, और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ, कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में, जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, इन मुस्तहकीन की तरफ तवज्जो ना कर सको, तो इनसे नरमी से बात कह दिया करो, और अपने हाथ को न तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बैठ जाओ। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है फराख कर देता है और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है, वो अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है। और अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल न करना, क्योंकि उनको और तुमको हम ही रिस्क देते हैं। कुछ शक नहीं कि उनका मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है, और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है। और जिस जानदार का मारना अल्लाह ने हराम किया है उसे कत्ल न करना मगर जायज तौर पर यानी बफतवाए शरीयत। और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए, हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले, तो उसको चाहिए कि कत्ल के किसास में ज्यादती न करे, कि वो मंसूर फतायाब है। और यतीम के माल के पास भी ना फटकना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत बेहतर हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए। और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में जरूर पुरसिश होगी, और जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रखकर तोला करो। ये बहुत अच्छी बात और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। और ऐ बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे न पड़, कि कान और आंख और दिल इन सब आजा के बारे में जरूर बासपुरस होगी। और जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल, कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। ऐ पैगंबर, ये उन हिदायतों में से हैं जो अल्लाह ने हिकमत की बातें तुम्हारी तरफ वही की हैं, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद न बनाना, कि ऐसा करने से मलामत जदा और रांदाए दरगाह बनाकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मुशरिको, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो लड़के दिए और अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बनाया? कुछ शक नहीं कि यह तुम बड़ी नामकूल बात कहते हो, और हमने इस कुरान में तरह तरह की बातें बयान की हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें, मगर वो इससे और बिदक जाती हैं। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं, तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते। वो पाक है, और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे उसका रुतबा बहुत आली है। सातों आसमान और जमीन और जो लोग उनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार है, गफ्फार है। और ऐ नबी, जब तुम कुरान पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते छुपा हुआ पर्दा यानी हिजाब डाल देते हैं, और उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देते हैं कि उसे समझ न सकें, और उनके कानों में सिकल। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकअल्लाह।